हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर एक नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं वेल्डिंग टैग। मेरा नाम है दीपक। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जो लास्ट वीडियो थी उसमें हम लोग 15 क्वेश्चंस कर चुके थे, 15 क्वेश्चंस कर चुके थे। इससे आगे वाली वीडियो में 15 नंबर से आगे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। दोस्तों मेरा यहाँ उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रोवाइड कराना है, क्योंकि बाकी आप लेक्चर्स अदर यूट्यूब चैनल्स पे भी देख सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं दिया जाता है इतना, बाकी टाइम वहाँ पर ज़्यादा लगता है। तो मैं यहाँ पर आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देने की कोशिश करूँगा, जो आपके पास आपके लिए किसी भी एग्ज़ाम हो, चाहे मैकेनिकल से फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, बेल्डर, डीजल मैकेनिक, जिसमें भी MCQs आते हैं उसमें आपके लिए हेल्प हो सके। तो चलिए स्टार्ट करेंगे 16 नंबर क्वेश्चन से, जो कि पिछले 15 तक हो चुका था। देखते हैं, कहा गया है विच ऑफ दिस कटिंग टूल इज़ यूज टू फिनिश एंड इनलार्ज अ होल। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन बार बार इसरो, DMRC इनमें पूछा गया है। छेद को अंतिम रूप देने और बड़ा करने के लिए किस कटाई औजार का प्रयोग होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शंस मिल जाते हैं हमें, डाई, टेप, रीमर और बोरिंग बार। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? रीमर। होल को थोड़ा सा बड़ा करने के लिए हम रीमर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ बेबलिंग ऑफ द एंड ऑफ एन एग्जिस्टिंग ड्रिल्ड होल इज कॉल्ड। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा गया है, 17 नंबर क्वेश्चन है, विद्यमान छेद के अंत में बेवलिंग की क्रिया को कहते हैं। जैसे कि दोस्तों आपने ये क्वेश्चन बहुत बार देखा होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लेते हैं, बोरिंग, ऑप्शन नंबर ए बोरिंग, स्पॉट फेसिंग, सी कटिंग, काउंटर बोरिंग और डी काउंटर सिंकिंग। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर जो छेद को अंत में बेवल करने की क्रिया होती है उसे हम काउंटर बोरिंग, सॉरी काउंटर सिंकिंग कहते हैं। यहाँ पर हम काउंटर हेड स्क्रू को स्थान देने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, 18 नंबर क्वेश्चन सामने आपके, फिगर गिवन बिलो शो अ टाइप ऑफ कट ऑफ फाइल। नीचे आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा, उसमें फाइल का कट दिखाया गया है, तो हमें पहचानना है कि यह कट किस प्रकार का है। नीचे दिए गए आरेख में रेती फाइल से कट दिखाया गया है, यह किस प्रकार का कट है? तो गाइस आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये आपको यहाँ पर एक कट फाइल दिखाई गई है, तो आप इसको देखकर समझ गए होंगे किस प्रकार के कट की फाइल है। 18 नंबर क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी, रॉस्प कट फाइल। और रॉस्प कट फाइल का प्रयोग दोस्तों हम कहाँ करते हैं? लकड़ी, कपड़ा, चमड़ा आदि को, लकड़ी, चमड़ा आदि को रेतने के लिए हम इसका वुड वुड में इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 19 नंबर, द टीथ ऑफ द हेक्सा ब्लेड आर बेंट एज शो बिलो। इट इज कॉल्ड, हेक्सा ब्लेड के दांते नीचे दिखाए गए अनुसार मोड़ते हैं, इसे कहते हैं। ये कौन सा पैटर्न है हेक्सा ब्लेड मोड़ने का, ये हमको बताना है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है पैटर्न, स्टाइल, सेट या सीरीज, इसे क्या कहेंगे? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सेट, इसको हम सेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, 20 नंबर क्वेश्चन, इट इज़ अ टाइप ऑफ पेपर दैट कैन बी यूज्ड फॉर स्टैंडिंग डाउन हार्ड एंड रफ सरफेस, इट इज़ कॉल्ड। यह एक प्रकार का कागज़ होता है जिसे कठोर और खुरदरे सतहों को चिकना बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसे कहते हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, सिंपल। ऑप्शन देख लेते हैं, ए रिज्ड पेपर, बी टफ पेपर, सी हार्ड पेपर या डी एमरी पेपर। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा, एमरी पेपर उसको कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, 21 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए आरेख में चार विभिन्न मिश्र इस्पातों के इस्पार गुणों को बताया गया है, निम्न में से कौन उच्च कार्बन इस्पात का प्रतिनिधित्व करता है? तो दोस्तों ऐसे टाइप के क्वेश्चन, आप मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन आपको पूछा जाए, फिर भी इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर ये वाला फिगर हमें शो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, 22 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम।
निम्न में से कौन ऑक्सी एसिटिलीन प्रकार का लौह नहीं है? देख लेते हैं इनमें से कौन सा जो है ऑक्सी एसिटिलीन प्रकार का फ्लेम नहीं है। न्यूट्रल फ्लेम, नेचुरल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, कार्बोनाइजिंग फ्लेम। तो करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी नेचुरल फ्लेम। जबकि अगर बात करूँ मैं न्यूट्रल फ्लेम, वही ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और कार्बोनाइजिंग फ्लेम, तो ये ऑक्सीजन और एसिटिलीन का मिक्सचर यहाँ पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, 23 नंबर क्वेश्चन। द ड्रिल होल इज़ लार्जर देन द साइज ऑफ द ड्रिल यूज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इट कुड बी ड्यू टू, अगर हम प्रयोग किए गए ड्रिल, अगर हम ड्रिल का प्रयोग कर रहे हैं और ड्रिल के आकार से छेद बड़ा बनता है, जो ड्रिल का छेद का आकार उससे बड़ा बनता है, यह किसके कारण हो सकता है? ऑप्शंस यहाँ पर हमें मिल जाते हैं, टू मच फीट, बहुत, क्या ये बहुत ज़्यादा फीट से होगा। ऑप्शन नंबर बी है, हेलिक्स एंगल नॉट एक्यूरेट, क्या है हेलिक्स एंगल का सही ना होना इसका कारण है। ऑप्शन नंबर सी, लिप क्लियरेंस नॉट एक्यूरेट, या ऑप्शन नंबर डी, अनइक्वल लेंथ ऑफ द कटिंग एज। तो करेक्ट आंसर हमारा 23 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनइक्वल लेंथ ऑफ द कटिंग एज। दोस्तों ये ड्रिल कुछ इस प्रकार का मान लीजिए, यहाँ पर इसके कटिंग एज होते हैं नीचे, तो ये अगर अनइक्वल रहेंगे तो हमारा जो ड्रिल होल है वह बड़ा बनेगा उसके साइज से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, 24 नंबर क्वेश्चन। इफ़ अ बेंच वाइज इज ओवर टाइटेड, ये दोस्तों मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन है और कई एग्जाम में पूछा गया है, अगर बेंच वाइज बहुत ज़्यादा कसा हुआ है, व्हाट इज़ लाइक टू बी डैमेज, तो इनमें से कौन सा दोष होने की संभावना है। हमें यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाते हैं, हैंडल, क्या संभावना है, क्या टूटने की संभावना है, हैंडल, स्पिंडल, स्क्वायर नट, और ऑप्शन नंबर डी, फिक्सर। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, स्पिंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, 25 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ दीज इज नॉट अ बेस यूनिट अंडर SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इकाइयों के SI मात्रक में कौन आधार इकाई नहीं है। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आपके इसरो वगैरह में ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ऑप्शन देख लेते हैं हम, केल्विन, कैंडेला, मोल, और वहीं लास्ट में मिल जाता है हमें जूल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 25 नंबर क्वेश्चन का जूल। जूल जो है दोस्तों वे बेसिक यूनिट नहीं है अंडर टू SI सिस्टम। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, 26 नंबर क्वेश्चन। कहा गया है द मेन पर्पस ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस नॉर्मलाइजिंग इज, बहुत ही ये हीट ट्रीटमेंट क्वेश्चन से और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दोस्तों आपको इस सीरीज में बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर आप वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो वीडियो को अच्छे से देखिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस सारे PDF में इंक्लूडेड है। द मेन पर्पस ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस नॉर्मलाइजिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं, आपने बहुत बार क्वेश्चन किया होगा, रिमूव इंड्यूस्ड स्ट्रेसेस, इम्प्रूव मशीनेबिलिटी, सॉफ्टन स्टील, या इंक्रीज टफनेस एंड रिड्यूस ब्रिटलनेस। अब नॉर्मलाइजिंग कर रहे हैं तो नॉर्मलाइजिंग का जो पहला उद्देश्य होता है वह होता है हमारा आंतरिक तनाव को कम करना, यानी प्रेरित तनाव को कम करने के लिए, रिमूव इंड्यूस्ड स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, 27 नंबर क्वेश्चन सामने है, द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस एनीलिंग। अब यहाँ पर हमने अभी नॉर्मलाइजिंग बताया जो कि जो आपको नॉर्मल करने की क्रिया, वहीं अब एनीलिंग का पूछा गया है कि उसमें उपचार प्रक्रिया, एनीलिंग खालिस्तान के लिए किया जाता है, तो एनीलिंग किसके लिए करते हैं हम दोस्तों, मशीनेबिलिटी बढ़ाने के लिए या सॉफ्ट करने के लिए। तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं, यहाँ फर्स्ट मिल जाता है इंक्रीज टफनेस, इंक्रीज सॉफ्टनेस, इंक्रीज हार्डनेस, और वहीं ऑप्शन नंबर डी, इंक्रीज ब्रिटलनेस। लेकिन यहाँ पर करेक्ट आंसर हमें ऑप्शन नंबर बी में ही मिल जाता है, यानी कि इंक्रीज सॉफ्टनेस, सॉफ्टनेस बढ़ाने के लिए, मशीनिटी बढ़ाने के लिए हम करते हैं एनीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, 28 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द टाइप ऑफ फाइलिंग दोस्तों कहा गया है 28 नंबर क्वेश्चन में, व्हाट इज द टाइप ऑफ फाइलिंग बीइंग डन एज सो इन फिगर गिवन बिलो, नीचे दिए गए आरेख में किस प्रकार के फाइलिंग चिकना को काम कर रहा है, तो ये फाइल करने की कौन सी विधि है ये हमको बताना है। तो दोस्तों ये ड्रॉ फाइलिंग की एक मेथड है, ऑप्शन देख लेते हैं हमें,
फर्स्ट ऑप्शन स्टेट फाइलिंग, प्लान फाइलिंग, और ऑप्शन नंबर सी में हमें करेक्ट आंसर अपना मिल जाता है ड्रॉ फाइलिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ड्रॉ फाइलिंग करने की एक मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन कहा गया है वी ब्लॉक इज यूज टू होल्ड राउंड बार्स, इट हैज़ अ बी ग्रुप विच इज यूजली। राउंड बार का प्रयोग हम जो है गोल छड़ को पकड़ने के लिए करते हैं, इसमें जो बी ग्रुप होता है उसका क्या कार्य होता है, सामान्य उसका क्या कार्य होता है या वह कितने डिग्री का होता है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा जनरल सा नॉर्मल क्वेश्चन है वह 90 डिग्री पे होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कहा गया है, आपको यहाँ पर फिगर दिखाया गया है, फिगर बिलो शो अ टूल मार्क ए, जो ए से मार्क किया गया है, विच रिमूव्स टेपर सेंक ड्रिल फ्रॉम द नोज ऑफ द मशीन स्पिंडल इट इज़ कॉल्ड। तो जो मशीन के स्पिंडल से ड्रिल को निकालने की जिस चीज़ का उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे, जो इन्होंने इसका पूछा है तो इसको क्या कहेंगे, तो इसको दोस्तों हम ड्रिल ड्रिफ्ट कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ड्रिल ड्रिफ्ट, यानी ड्रिफ्ट का भी यूज़ हम मशीन स्पिंडल से ड्रिल को निकालने के लिए करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी और आप लोग इस सीरीज़ को पसंद करेंगे। दोस्तों आपसे सिर्फ मैं सपोर्ट की उम्मीद करता हूँ क्योंकि मेरा मकसद है सिर्फ आप लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू पहुँचाना। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करें और तैयारी अच्छे से करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।